स्टेशन के ओनर हैं, उन्होंने गणपति बप्पा गणेश जी की 721 प्रकार की पेंटिंग्स बनाई हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने उनको अवार्ड दिया है। हम और रमेश बिधोड़ी जी इस अवसर पे उनको सम्मानित करने उपस्थित भी हुए और हम दोनों उनको पद्म सम्मान मिले, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके प्रधानमंत्रित्व में ऐसे ही लोगों को मिल रहा है पद्मश्री सम्मान जो यूनिक कार्य कर रहे हैं। तो हम दोनों ने निर्णय लिया है कि हम लोग पत्र लिख करके अपने तरफ से उनकी प्रविष्टि कराएंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि राजेश जी को पद्म सम्मान मिले। आदरणीय मनोज तिवारी जी ने जो बात अभी कही है, हमारे देश में ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं दबकर रह जाती थी। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से राजेश जी ने ये गणपति जी की अनेकों प्रकार की विभिन्न रूप देकर, गणपति जी की मूर्तियाँ बनाकर, कलाकृतियाँ बनाकर, पेंटिंग बनाकर, हर तरह से हर रूप में बनाया है और पूरी दुनिया भर में उनको इंटरनेशनल लेवल के जो संस्थाओं के माध्यम से सम्मानित किया गया है, अवार्ड मिले हुए हैं, उस अवार्ड के अनुसार भारत के सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए पूरी दुनिया सनातन संस्कृति को मानती रही है, तो उसी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जो भारत की मान्यताओं को आगे बढ़ाया है, उसके लिए कहीं ना कहीं भारत गौरवान्वित होता है। और जैसे मनोज जी ने कहा है कि ऐसे ही विलक्षण प्रतिभाओं को हमारे देश के प्रधानमंत्री विभूषणों से सुशोभित करते हैं और उनको सम्मानित करते हैं। बड़ी संख्या में गणेश भगवान की मूर्ति बनाई है, प्रतिमा बनाई है, क्या कहें? देखिए, मैंने 2000 से ज़्यादा गणेश जी के चित्र बनाए जो रिकॉर्ड में 719 दर्ज हुए, क्योंकि मैंने जैसे एक मटेरियल पर चार बनाए तो काउंटिंग एक हुई और लगभग 150 मैंने जो मटेरियल थे उनको यूज़ करके ये रिकॉर्ड बनाया है जो वर्ल्ड बुक में गया है, इंडिया बुक में और एशिया बुक में दर्ज हुआ है। तो निश्चित सी बात है कि आप जब कोई काम करते हैं, तो मैं शौक के लिए पेंटिंग करता हूँ, उसको कोई मुकाम मिलता है तो एक खुशी होती है और आगे के लिए प्रेरणा मिलती है। जो सांसद महोदय आए थे, हम लोगों ने कहा कि हम लोग इसको पद्मश्री के लिए भी ले जाएंगे आगे, तो किस तरीके से इस उपलब्धि को देखते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, मैंने जो जितनी भारत में विधाएं हैं चित्रकारी की, लगभग सभी विधाओं में गणेश जी का चित्रण किया है, अलग अलग मटेरियल यूज़ करके किया है। ये अद्भुत काम है और अगर ये काम इसके लायक होगा कि भारत सरकार पद्मश्री के लिए उसको भेजे, तो ज़रूर मुझे खुशी होगी कि मैंने एक जो अनूठा काम किया है, गणेश जी के इतने चित्र अलग अलग विधाओं में बनाए हैं और उसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सरकार की तरफ से पहचान मिलेगी। 181 से बनाता हूँ, लेकिन ये जो तब मैं बनाता था पेंसिल से, पेन से, पेंट से, लेकिन अलग अलग मटेरियल पर मैंने ये कोरोना काल से और अब 2023 तक जो बनाई है उसमें रिकॉर्ड बनाई है।